हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुलुमखा, मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, इसका सजेशन जैसे हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था त्रिपुरा के हिस्ट्री के ऊपर, तो तब बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आप इस वीडियो पर रिएक्शन दें, और आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं। और वीडियो का टाइटल है वी डिमांड NRC इन त्रिपुरा कोक ब्रोक हिंदी, ये वीडियो का टाइटल है। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें इनके ओरिजिनल वीडियो का, और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, उनको तो बाहर निकालना है। तो जो नजायज़ आए हैं और उनको इस देश में रहने के अधिकार नहीं है उनको। अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नोटिस को, असम को छोड़ दीजिए। आज सबसे पहले आपसे एक सवाल। मान लीजिए मुश्किलों से घिरा हुआ कोई परेशान व्यक्ति आपके घर आकर आपसे कुछ दिनों के लिए आपके घर में शरण मांगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप दयालु हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आप उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे देंगे। लेकिन इसके बाद अगर यही व्यक्ति धीरे धीरे आपके पूरे घर पर अपना कब्जा जमा ले और बाद में घर से बाहर निकलने से इनकार कर दे तो आप क्या करेंगे? हमें यह सबसे बड़ा पॉइंट है, ऐसे धोखेबाज और धूर्त व्यक्ति को अपने घर से निकालने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि आपको अपने घर से और अपने परिवार से प्यार है। अब जरा ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर की जगह आपका देश हो और आपके देश में पड़ोसी देश के कुछ लोग शरणार्थियों का लेबल लगाकर देश के संसाधनों पर ही कब्जा कर लें, वो संसाधन जिन पर आपका अधिकार है, आपके बच्चों आपके परिवार का अधिकार है, अगर उसका उन संसाधनों का इस्तेमाल कोई और करने लगे तो आप क्या करेंगे? तब आप इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में घुसपैठियों और शरणार्थियों के नाम पर बड़े बड़े वोट बैंक और भाषा की राजनीति की जाती है। आज असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट आया है। ये एक लिस्ट है जिसमें असम के उन लोगों का नाम है जिन्होंने ये प्रमाण दिया है कि वो भारत के नागरिक हैं। असम में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके भारतीय नागरिक होने के दावे को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि वो भारत के नागरिक हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने NRC का नाम पहली बार सुना होगा और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि उन्हें इससे क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। क्या लेना देना है आज हम आपको बताएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि आज आप ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये हम आपको आज विस्तार से समझाएंगे। लेकिन अभी सरल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि ये एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें असम के उन लोगों के नाम हैं जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो यहीं के हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद करीब 3 साल तक मेहनत करके असम के 52,000 सरकारी अधिकारियों ने ये लिस्ट तैयार की है। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक अभियान था जिसमें दस्तावेजों की जांच करके असम में भारत के नागरिकों की पहचान की गई। देश के नागरिकों की पहचान करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि असम के नागरिकों के एक बड़े वर्ग का आरोप है कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों ने उनकी जमीनों पर कब्जा जमा लिया है और वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। आज NRC का फाइनल ड्राफ्ट आया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक असम में रहने वाले 2,89,83,668 लोगों ने भारत के नागरिक होने के दावे को सही सिद्ध किया है। वर्ष 2015 में असम में रहने वाले 3,29,91,385 लोगों ने NRC एप्लीकेशन भरकर अपने भारतीय नागरिक होने का दावा किया था। इस हिसाब से देखा जाए तो 40,07,777 लोगों का नाम NRC के फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है। यह आजाद भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। असम में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उनके भारतीय होने के दावे को
स्वीकार नहीं किया गया। बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। किसी भी देश में राष्ट्रीय हितों पर राजनीति नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय हितों से जुड़े मामलों पर हमेशा राजनीति होती है। इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। यहाँ तो आपको ये भी समझना होगा कि आखिर इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मतलब क्या है, और ये अपनी तरह की एक पहली वेरिफिकेशन ड्राइव है जिसका मकसद है असम में भारत के असली नागरिकों की पहचान करना। अब आप सोचिए ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत को ही अपने असली नागरिकों की पहचान करनी पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि भारत के ही किसी राज्य में भारतीयों की पहचान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको असम का नक्शा पहले देखना पड़ेगा। मैप दिखाते हैं आपको। असम में वैसे तो 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन इनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां बांग्लादेशों की घुसपैठ सबसे ज्यादा है। पिछले कई दशकों से लगातार हुई घुसपैठ की वजह से इन 9 जिलों की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का वितरण बदल चुका है, और यहां मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 80% तक हो गई है। ये सारे वो जिले हैं जिनमें बांग्लादेशों की अवैध घुसपैठ होती है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक बन गए, और जो बाहर से घुसपैठ करके जो लोग आए हैं वो वहां पर बहुसंख्यक बन गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह आरोप है कि उन्होंने इन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, उनके खिलाफ हिंसा की और उन्हें अपने ही घरों और जमीनों से बेदखल कर दिया। ये मुद्दा पूरे असम में पिछले कई दशकों से चल रहा है। अवैध घुसपैठ को लेकर असम में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सी सरकारें बनी, लेकिन इस घुसपैठ के खिलाफ किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये अवैध घुसपैठिए एक बहुत बड़े वोट बैंक में तब्दील होते चले गए, और नेताओं ने इन्हें वोटों के लिए चुनाव में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी के खिलाफ असम सन्मिलिता महासंघ की तरफ से वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2014 को अपना आदेश दिया। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच असम में आए विदेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। याचिका में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है, और ना सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में इस तरह की ड्राइव चलाई जानी चाहिए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2014 में एक आदेश दिया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करने के लिए कहा। इसके बाद फरवरी 2015 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए लोगों से उनकी नागरिकता के प्रमाण पत्र लिए गए। उनसे कहा गया कि आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके बाद 31 दिसंबर 2017 को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला ड्राफ्ट पेश किया गया। पहले ड्राफ्ट में असम के 1,90,00,000 लोगों के नाम थे, और आज आए दूसरे ड्राफ्ट में 99,83,668 लोगों के नाम है। इस पूरी वेरिफिकेशन ड्राइव से यह पता चलेगा कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से कौन से घुसपैठिए असम में दाखिल हुए और अब अपने आप को भारत का अवैध नागरिक बता रहे हैं। यह तारीख 1985 के असम अकॉर्ड से निकलकर सामने आई है, जिसमें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, असम गण परिषद और भारत सरकार के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि में यह तय हुआ था कि 24 मार्च 1971 की आधी रात से पहले असम में जो भी विदेशी नागरिक दाखिल हुए थे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, जबकि 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से असम में दाखिल होने वाले विदेशी नागरिकों को घुसपैठिया माना जाएगा और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। यह बहुत जरूरी है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 25 मार्च 1971 की तारीख ही क्यों चुनी गई, इस तारीख में ऐसा क्या खास है। तो इसका जवाब यह है कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ था, इसलिए 25 मार्च की तारीख चुनी गई। अब सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद जिन 40 लाख लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनके पास क्या विकल्प बचा है। असम में अवैध घुसपैठियों की संख्या पता चल जाती है तो आगे क्या होगा, क्योंकि ये संख्या कोई 1,000, 2,000 या 10,000 लोगों की नहीं होगी, बल्कि ये संख्या लाखों में होगी। एक अनुमान के मुताबिक असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 40 से 50 लाख के बीच है, और ये तमाम लोग
पिछले कई दशकों से असम में भारत के नागरिक बनकर रह रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के पास नागरिकता के दस्तावेज भी हो सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। हो सकता है ये सारी चीजें, ये सारे दस्तावेज इन लोगों ने बनवा लिए हों। ऐसे हालात में क्या इन लोगों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या बांग्लादेश अपने नागरिकों की घर वापसी करवाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो असम ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में है। अवैध शरणार्थियों के मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति का हथियार बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, जबकि असली मुद्दा देश की सुरक्षा का है। असली मुद्दा यह है कि देश से बाहर के लोग शरणार्थी बनकर हमारे देश में कैसे रह सकते हैं, जिन संसाधनों पर आपका अधिकार होना चाहिए, आपके परिवार का, आपके बच्चों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, उन संसाधनों पर किसी और का कब्जा कैसे हो सकता है? देश के संसाधनों के उचित इस्तेमाल का मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। असम में घुसपैठ की वजह से जनसंख्या का पूरा की पूरा समीकरण अभी बदल चुका है, और फिर वोट बैंक की राजनीति की वजह से घुसपैठ को एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी गई है। यानी हमारे देश में घुसपैठ होती है, घुसपैठिए यहीं रहेंगे, यहीं नौकरी करेंगे और ऐसे ही आते रहेंगे। हमारे देश के सिस्टम ने, हमारे देश की सरकारों और नेताओं ने इसे पिछले 70 सालों में एक तरीके से स्वीकार कर लिया है। ना सिर्फ इसको स्वीकार कर लिया बल्कि घुसपैठियों को राशन कार्ड दे दिए गए, वोटर आईडी कार्ड दे दिए गए, ताकि उनके वोटों का इस्तेमाल चुनाव में किया जा सके। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान, ये किताब है जो इस वक्त मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इसके लेखक बांग्लादेश के सलाम आजाद हैं। सलाम आजाद ने यह किताब भारत के लोगों को समर्पित की है। इस किताब में यह बताया गया है कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें भारत का योगदान क्या है। जो इसके लेखक हैं सलाम आजाद, उन्होंने इस किताब में बांग्लादेश युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारत के कई प्रमुख सैन्य अधिकारियों से बात की थी। सलाम आजाद ने उस वक्त भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की, और सलाम आजाद ने उन लोगों से भी बात की थी जो उस दौर में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए काम कर रहे थे। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है, इसलिए विश्वसनीय है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। इस किताब के पेज नंबर 146 पर एक लिस्ट छपी है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के किस किस राज्य में कितने शरणार्थी थे। देखिए, अब मैं आपको वो लिस्ट बताता हूं। ये वो किताब का पेज नंबर 146 है। इसमें लिखा है 25 मार्च 1971 से भारत में 98,99,305 शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। तो आप ऐसे समझिए कि 25 मार्च 1971 को तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी। अब उसका ब्रेकअप देखिए, ये टेबल देखिए, 25 मार्च से 15 दिसंबर 1971 तक शरणार्थियों का आना, राज्यों का नाम लिखा है और कितने शरणार्थी आए कुल वो यहाँ लिखा है। पश्चिम बंगाल में 74,93,000 शरणार्थी आए थे, त्रिपुरा में 14,16,000, मेघालय में 6,67,000, असम में, ध्यान देने वाली बात क्योंकि आज हम असम की बात कर रहे हैं, असम में 3,12,713 शरणार्थी आए थे 15 दिसंबर 1971 तक। अब जो आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और जो सवाल है वो ये है कि अगर 15 दिसंबर 1971 को 3,12,000 शरणार्थी थे असम में, तो आज 2018 में यानी 47 साल में इनकी संख्या 40 लाख के पार चली गई है। इस आंकड़े के मुताबिक असम में 15 दिसंबर 2071 तक 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी मौजूद थे, और आज जो फाइनल ड्राफ्ट आया है उसमें असम में रहने वाले 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। ये आंकड़ा ये साबित करता है कि वर्ष 1971 का युद्ध खत्म होने के बाद भी असम में लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ होती रही। जो आंकड़ा 1971 में 3,12,000 था वो अब 40 लाख पहुंच चुका है, क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत आए 3 लाख शरणार्थी वापस नहीं गए, तो भी ये आबादी 40 लाख नहीं हो सकती, क्योंकि 47 साल में 3 लाख लोगों की आबादी बढ़कर 40 लाख होने का मतलब है 1,233% की जनसंख्या वृद्धि। फिर से सुन लीजिए, 1,000% की जनसंख्या वृद्धि है ये, यानी हर साल 26% की जनसंख्या वृद्धि, जो कि असंभव सी बात है।
जबकि बांग्लादेश के घुसपैठिए अगर चाहें तो असम में बड़े आराम से आकर रह भी सकते हैं और आपके हिस्से के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को हमारे ही देश के कुछ नेता बचा भी रहे हैं। ये बात जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू है, जिसकी वजह से भारत के किसी दूसरे हिस्से का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता और सरकारी नौकरी भी नहीं पा सकता। लेकिन असम में किसी दूसरे देश का व्यक्ति घुसपैठिया बनकर आ भी सकता है, रह भी सकता है, आराम से नौकरी भी पा सकता है और वहां के बहुत सारे दस्तावेज भी हासिल कर सकता है, क्योंकि घुसपैठियों को देश की सरकारों ने, देश के नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार वोट बैंक बना लिया है। कुल मिलाकर आप और हम जो टैक्स देते हैं वो पैसा इन अवैध शरणार्थियों पर उड़ाया जा रहा है। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, लेकिन अतिथि भी कुछ दिनों के लिए ही अच्छे लगते हैं। जब अतिथि आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाए और आपके हिस्से का खाना भी खाने लगे तो हर किसी को तकलीफ होती है, क्योंकि आप अपना पेट काटकर कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए मेहमान को खिला तो सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और फिर अगर स्थिति ऐसी हो कि आपके खुद के पास ही अगर खाने के लिए नहीं है, आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, तो आप बाहर से आए व्यक्ति के लिए क्या कर पाएंगे। इसलिए इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत समझिए, इस मुद्दे को देश की सुरक्षा का मुद्दा समझिए और इसे राजनीति से ऊपर रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज ये पूरा डीएनए टेस्ट हमने आपके लिए किया। हम जानते हैं आप में से ज़्यादातर लोग असम में नहीं रहते और आपको ये लगता होगा कि आपको इससे क्या लेना देना, लेकिन ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुधीर सर ने समझाया कि NRC और जो 1971 तक हुआ, 1966 से, वो तब तक का एक माहौल था जो बांग्लादेश में और चल रही थी, जो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो बना था, उसके बाद बांग्लादेश बना, वहाँ पे जो लिबरेशन चला, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी कार्रवाई की, पर जो वहाँ से बाद भी जिस तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, जो इलीगल लोग घुसे उसके बाद, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि 1971 में जिस वक्त ये चल रहा था तो त्रिपुरा की पॉपुलेशन थी 14 लाख से 15 लाख के बीच में, और वहाँ पे जो शरणार्थी आए वो थे, वो 15 लाख के आसपास थे। तो मतलब उस वक्त उन लोगों ने उनको अपनाया, ऐसा नहीं है कि उन लोगों का तिरस्कार किया। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपने एक रोटी में से आधी रोटी उनको खिलाई, पर उसके बाद जो माइग्रेशन शुरू हुआ इलीगली वो सबसे धोखादायक था। जैसे सुधीर सर ने भी कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यहाँ पे इस देश की सुरक्षा का मसला है, और जो लोग शरणार्थी थे वो अलग बात थी, पर जो लोग उसके बाद इलीगली घुसे उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, पर वो हुआ नहीं। यहाँ पे वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स की जाती है वो सबसे खतरनाक है। जब आसाम में NRC हुआ उस वक्त इस देश में इतना हल्ला गुल्ला मचाया गया, लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए, कुछ बातें ऐसे भी की, इसी देश के लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाती है, पर वो ये कभी नहीं सोचते कि जो वहाँ पे खुद रहने वाले लोग हैं उनको बेघर किया गया, उनको जो अपना घर है, अपनी ज़मीन है, उनसे वहाँ से बेदखल किया गया। जैसे सुधीर सर ने यहाँ पर बताया, वो दिखाया भी उन्होंने, और आप जैसे उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर जो कहा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो उसके इंडेक्स में भी नहीं बैठ रहा कि जहाँ पे 3 लाख थे और आप 40 लाख हो गए। वो एक इंसान 26 लोगों को पैदा करे फिर भी नहीं हो सकता, जैसे उन्होंने बताने की कोशिश थी उनकी। वैसे त्रिपुरा में हुआ जहाँ पर उनकी खुद की पॉपुलेशन अब 30% हो चुकी है, जैसे न्यूज़ में भी आता है, जैसे वहाँ के लीडर्स भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, और रियलिटी में 30-40 के बीच में ही हो सकती है शायद। पर शरणार्थी आए, उसके बाद जो इलीगली लोग घुसे, उसके लिए NRC होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसमें किसी को बुरा लगने जैसा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचें, आप अमेरिका जाइए और अमेरिका में जाके बैठ जाइए, क्या वहाँ पर आपको रहने दिया जा सकता है? शायद आप बांग्लादेश में जाइए, वहाँ पे आपको रहने देंगे लोग? नहीं रहने देंगे। कोई भी देश बाहर के लोगों को आने नहीं दे सकता। यहाँ पे रोहिंग्या का भी मसला हुआ,
वो मुस्लिम है, बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने स्टार्टिंग में तो लिया आप उसको एक आइलैंड पे ले जाके उनको बिठाया उन लोगों को, पर जो बाकी लोग आना चाहते थे उनको नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? वो तो मुस्लिम है, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, फिर क्यों नहीं आने दिया? हर कोई जो अपने लोगों के राइट्स है, अपने लोगों के अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एनआरसी होगा तो कौन रियल में इंडियन है? जब त्रिपुरा में एनआरसी होगा तभी भी एक डेट फिक्स की जाएगी, उस डेट तक लोग आए उनको लीगली माना जाएगा और उसके बाद जो आए उनको इनलीगली माना जाएगा। ऐसा कुछ तो फिक्स सॉल्यूशन होना चाहिए। और वहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी हो, मुझे भी ऐसा लगता है, जहाँ पे भी इंडिया में ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं बाकी जगहों पे भी ऐसा लगता है। मुंबई में भी जब मुंबई में राइड्स हुए थे वहाँ पे शहीद मेमोरियल को तोड़ा गया, उस वक्त वोटिंग कार्ड मिले वहाँ के बांग्लादेश के, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आके महाराष्ट्र में भी उत्पात मचा है उन लोगों ने उस वक्त। एक एकेडमी है उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं इस वीडियो में, पर उस एकेडमी के नाम पे जब वहाँ पे उन्होंने एक बड़े रैली की और उस रैली के बाद जैसे जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, लेडीज़ पुलिस वालों के कपड़े फाड़े गए, उनके राइफल छीने गए, और उसके बाद वहाँ पे जो मेमोरियल था उसको गिराया गया और बहुत मीडिया वालों को भी पीटा गया। और जब उसके बाद उसकी इंक्वायरी हुई तो उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले कि जो लोग उसमें बांग्लादेशी भी थे। और जो महाराष्ट्र में तो कोई शरणार्थी का प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र में कोई बॉर्डर नहीं है, इतना लंबा रास्ता है महाराष्ट्र का बांग्लादेश का, यहाँ तक घुसे हैं वो लोग, तो उन लोगों को यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ के खुद के हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो इस देश के, उनको पहले उनका राइट मिलना चाहिए, कुछ बचेगा तो हम बाकी सोच लेंगे। ये था वीडियो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय।